हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम सामयिक मूल्यांकन कसौटी स्टैंडर्ड 6 के लिए गुजराती का एक पेपर देखेंगे जो जुलाई 2021 में होने जा रहा है। वेटेज 50 मार्क्स है, इसलिए आपको पूरे 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा। वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमको क्वेश्चन 1 में पूछा है आपेला विषय पर अंग्रेजी वाक्य लिखो, 5-6 वाक्य लिखो। तो मारो प्रिय त्यौहार, मेरा प्रिय त्यौहार यहां पर हमको लिखना है। यहां पर दिवाली के बारे में मैंने 5-6 सेंटेंसेस लिखे, तो हम वो सेंटेंसेस देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये 5-6 सेंटेंसेस हैं। मारो प्रिय त्यौहार दिवाळी छे, दिवाळी आसो वद अम्मासना दिवसे आवे छे, दिवाळी मां लोको घरे दीवा प्रगटावे छे, दिवाळी मां लोको एक बीजाने मळे छे, दिवाळी मां लोको नवा कपड़ा पहेरे छे, दिवाळी मां लोको घरे रंगोळी करे छे, दिवाळी मां घरे मेहमान आवे छे। तो इस प्रकार ये 6 सेंटेंसेस, 5-6 सेंटेंसेस हमको लिखने थे। तो यहां पर हमने वो सेंटेंसेस लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके हमको 5 मार्क्स मिलने वाले थे। तो बड़ी आसानी के साथ हमने ये 5 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पर सेंटेंसेस चित्र दिया है, चित्र में सवाल पूछे, कृतिका केम रड़े छे। लेट्स जूम इट, कृतिका केम रड़े छे। जवाब में लिखा है कृतिका ने पगमा वाग्यू छे तेथी ते रड़े छे। पगमा वाग्यू छे, कृतिका ने पगमा वाग्यू छे तेथी ते रड़े छे। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षाबेने छतरी केम ओढ़ी छे। जवाब में हमने लिखा है हर्षाबेन धूप थी बचवा माटे छतरी ओढ़ी छे, हर्षाबेने। क्वेश्चन नंबर 3, अंकित दौड़मा केम जीत्यो। जवाब में हमने लिखा है अंकित झड़पथी दौड़ियो अने दौड़मा सौथी आगळ आवी जीत्यो, अंकित दौड़मा झड़पथी दौड़ियो अने दौड़मा सौथी आगळ आवी जीत्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाळको केम खुश छे। तो आपको चित्र में दिखाई देगा कि इसमें एक जोकर है, बाळको जोकर ने जोईने खुश छे, नरेंद्र केम लपसी पड़ियो। जवाब में हमको दिखाई दे रहा है यहां पर केक केले की छिलके पर से वो फिसल गया, इसलिए हमने लिखा है नरेंद्र केड़ानी छाल पर थी लपसी पड़ियो, फिसल गया लपसी पड़ियो। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देख लिया। तो इसी के साथ ये भी जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क का वेटेज था। 5 मार्क्स हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। यहां पर हमको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के बाद हमको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार है, पोपट नो स्वभाव केवो हतो। तो यहां पर हमने जवाब इसका लिख दिया है, पोपट बहु भलो ने डायो हतो, पैराग्राफ में दिया हुआ था ऑलरेडी। सवाल नंबर, तमने गमता त्रण पक्षियों ना नाम। तो जवाब में हमने लिखा है मने पोपट मोर अने कोयल गमे छे। पोपट कमावा जवानू भूली गयो, ये जो थोड़ा बड़ा आंसर है, पोपट आंबे बेसी केरी खाई हिंचके ने टौका करे करतो रहियो तेथी, फिर जवाब लिख देंगे तेथी काम पर जवानू भूली गयो, कमावा जवानू भूली गयो। क्वेश्चन नंबर 4, पोपट ना रंग ने खोराक विषय, पोपट का रंग कैसा होता है। जवाब लिखा पोपट रंगे लीलो लाल चांच अने तेने मरचू खूबज भावे। पांचवा सवाल है, आंबा पर केवी केरी हती, आंबा पर काची अने पाकी घणी केरियो हती। जवाब देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 5 मार्क्स का है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास और कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, आप सब्सक्राइब करें, हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, लिटी दोरेला शब्दों पे की योग्य शब्दों का उपयोग करो। देखो दोस्तों, यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं,
मगर जिसे हाईलाइट किया है वही आपको लिखना है और उसके साथ दूसरे जो ऑप्शन है वो हटा देने हैं। यानी ये इस प्रकार लिखे जाएंगे, हूँ घरे थी मोड़ी निकली पण निशाड़े समय सर पहुंची, बाकी के दो ऑप्शन हटा देने और ये बीच में रख के आपको सेंटेंस पूरी लिख लेनी है। तेने आकाश में विमान जोयू अने जो हाईलाइट किया वो राइट आंसर है, दूसरे दो ऑप्शन आपको उड़ा देने हैं। हंस कन्याए तेने कहू के ते खूब सुंदर देखाय छे, काची डोल में गमे तेटलू पानी भरो पण डोल में पानी रहेशे नहीं, रस्ता में केळानी छाल हती तेथी। तो इस प्रकार यहां पर भी आपको बिना हार्डवर्क के 5 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी के साथ दोस्तों। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। यहां पर हमको कुछ शब्द दिए वातावरण से, एग्जांपल में बताया वर्षात, तो वर्षात पे से यहां पर जितने शब्द बन सकते थे सारे बनाए। अब हमको वातावरण, राजहंस, बाड़पण, मनपसंद, जलकुखड़ी पे से कुछ शब्द बनाने नए। इसे राजहंस, तो हमने राजहंस ये तो बनेगा ही, साथ साथ पहले वातावरण की बात करें तो वातावरण, वाव, वार, रण, ताव, ताण, तार, इतने सारे नए शब्द बन जाएंगे इसमें। इसके बाद राजहंस के अंदर से राजहंस, रास, जस और बाड़पण, मनपसंद और जल कुकड़ी में से भी ये सारे शब्द बनेंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अगेन 5 मार्क्स का वेटेज है। सूचना दी है नीचे आपेला शब्दों माथी योग्य स्वर चिन्ह उमेरीने नवा शब्द बनाओ। अब हमको यहां पर कुछ शब्द दिए, जैसे हनुमान दिया है और उसका हमने शब्द बनाया हनुमान। म त ज दिया है तो हम इसका शब्द बनाएंगे माता जी। कसर दिया है तो इसके अंदर काना मात्रा एड करेंगे, बन जाएगा केसर। अगठ तो क्या बनेगा इससे, अंगूठी। अगड़ तो हम इससे बनाएंगे आगड़। अजन तो इससे हम बना लेंगे इंजन। दोस्तों ये 5 मार्क का वेटेज है और आपको सिर्फ स्वर काना मात्र इसमें ऐड करना है, स्वर चिन्ह, और आप आसानी के साथ 5 मार्क्स ऐड कमा लेंगे। नेक्स्ट में भी मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, खुट्टे अक्षर रखने थे, 5 मार्क का वेटेज है। 7 क्वेश्चन है तो 7 × 5 = 35 मार्क्स आपके ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। आप यहां पर देख पाएंगे भा ने त लिखा है तो हमको इसमें र लगाएंगे, भारत बन जाएगा। दूसरे में ज ने ल था, जंगल, सोमवार, पांदड़ू, गृह कार्य, ये 5 शब्द बनेंगे। आई थिंक आप बहुत क्लियरली से देख पा रहे हैं। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे हम होते हैं ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल यानी गई काल यानी पास्ट टेंस, आज यानी प्रेजेंट टेंस, आवती काल यानी फ्यूचर टेंस, उसका एक हमको टेबल दिया हुआ है इस प्रकार। उसमें सेंटेंसेस को लिखना है, ठीक है, और उसके जो आंसर्स है वो मैंने यहां पर सामने लिख दिए। जैसे पुस्तक वाच से तो आवती काल यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, बराबर। इसको आपको कौन से नंबर में रखना है, आवती काल 3 पर है, ठीक है, आवती काल 3 पर है, यानी आपको इसको थर्ड वाले में बॉक्स में रखना है। इसके बाद गई काल पहली पर है तो ये पहले नंबर पर, ये पहले वाले बॉक्स में, ये पहले वाले बॉक्स में और ये पहले वाले बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बचे वो 2 नंबर पे आएंगे आज वाले, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ आपके आंसर होंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आपेला शब्दों का उपयोग करी वाक्य बनाओ। नदी, बतक, वाक्य बना लेंगे। नदी मां बतक तरे छे। वरसाद, छतरी, हूँ छतरी ले वरसाद में निकलियो। राजा, घोड़ो, राजा घोड़ा पर बेसी सवार थया। उनाड़ो, शरबत, उनाड़ा में लोगों ने शरबत गमे।
फल केला, केला भारत में जोवा मळता फल छे, मरता की जगह पे मरतु बेहतर रहेगा या मरतो। एंड यहां पर हमको कुछ स्वाद के बारे में दिया है, गड़ियो यानी मीठा स्वीट, ठीक है। तो मध, केरी, गोड़, मौसम्बी, वो हमने स्वीट में लिया है। खाटू में आमली भी आएगा, केरी भी और मौसम्बी भी आ सकता है। खारू यानी सावर, उसके अंदर मीठा ले लेंगे। तीखू मरचू, तूरू हड़दर ने कड़वू में मेथी और कारेलू ले लेशू। दोस्तों 10 मिनट के सॉल्यूशन के अंदर आपका पूरा वेटेज कवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।